hello students today we will discuss first chapter of history which is the modern world in this chapter we will discuss transition of the world from medieval to modern period renaissance movement voyages of discovery the reformation movement its causes and impact and role of martin luther as we already know, that history is divided into three different periods ancient, medieval, and modern period. Political, social, and economic characteristics of all these three periods are totally different. Period of transition. The progression of time from one period to another in history is called transition or transitional period. दीज आर परियेटिव चाउस और इन एक्टिविटी इंड डिक्लाइन अ स्टडी ऑफ ट्रांजिशन इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वाई द प्रीवियस पीरियड एंडेड एंड हाउ एंड वाई द न्यू वन एमर्ज इट मीन्स की जो एक पीरियड से दूसरे पीरियड तक जो टाइम की प्रोग्रेस होती है उसको बोला जाता है ट्रांजिशन पीरियड क्रिएटिव चाओज मीन्स की जो पुराना आर्ट है वो डिस्ट्रॉय हो के नया आर्ट जो उभरता है उसको बोलते हैं क्रिएटिव चाओज तो ये स्टडी इसकी ट्रांजिशन पीरियड की क्यों इम्पोर्टेंट है कि किस लिए जो पुराना पीरियड है वो किस लिए एंड हो रहा है और जो नया पीरियड है वो क्यों इमर्ज हुआ देन इन एवरी कंट्री हिस्टोरिकल पीरियड्स डिफर डिपेंडिंग ऑन सेवरल फैक्टर्स पर्टिकुलर टू द रीजन फॉर एग्जाम्पल द मॉडर्न पीरियड इन यूरोप स्टार्टेड इन द फिफ्टीन सेंचुरी हाई ओवर इन इंडिया इट स्टार्टीं सेंचुरी विदवेंट ऑफ ब्रिटिश तो द टाइम पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियड इज टोटलीट्स अराउंडींथ सेंचुरी इन यूरोप एंड एटींथ सेंचुरी इन इंडिया एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स के आने के साथ सोर्सिस ऑफ इंफॉर्मेशन there are two type of sources by which we can get information about this period. primary sources and secondary sources. primary sources direct accounts from people living during that period in history मतलब जो उस टाइम पे लोग रहते थे उनके द्वारा लिखी गई चीजों से जो हमें knowledge मिलती है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सोर्सेस प्राइमरी सोर्सेस कौन से कौन से हो गए अब ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डायरीज ट्रैवलॉग्स ऑटोबायोग्राफीज न्यूज पेपर पोइट्री नॉवल्स एक्सेट्रा दैन सेकेंडरी सोर्सेज कौन से होते हैं अकाउंट्स ऑफ द पीरियड दैट आर रिकॉर्डेड बाई द पीपल हु स्टडी द प्राइमरी सोर्स टू इंटरप्रेट इट एंड अराइव एट सर्टेन कंक्लूजनस अब कई लोग ऐसे होते हैं जो प्राइमरी सोर्सेज को पढ़ते हैं उनको समझते हैं और कई कन्क्लूजनस निकालते हैं तो वो जो कंक्लूजनस होते हैं वो होते हैं सेकेंडरी सोर्सेस जैसे कि स्कॉलरली आर्टिकल्स रिसर्च पेपर्स रिपोर्ट्स रिव्यूज बुक्स ऑडियो विजुअल मटीरियल डेवलप्ड बाई कंटेम्प्रेरी स्कॉलर्स एक्सेट्रा नाउ वी विल डिस्कस यूरोप इन मॉडर्न वर्ल्ड द मॉडर्न पीरियड इन यूरोप इज सेट टू हैव स्टार्टेड इन द लेट फिफ्टीन सेंचुरी एंड स्पैंड थ्री हंड्रेड ईयर्स लेट फिफ्टीन सेंचुरी में शुरू हुआ और थ्री हंड्रेड ईयर्स तक चला मॉडर्न एज इन यूरोप इज एसोशिएटेड विद सर्टेन इवेंट्स लाइक द डिक्लाइन ऑफ मेडावल फ्यूडलिज्म द राइज ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़ इंक्रीज़ इन ट्रेड एंड कॉमर्स एंड द राइजिंग कॉन्शियसनेस ऑफ इंडिविजुअल राइट्स तो मॉडर्न पीरियड में कई सारे इवेंट्स हुए मॉडर्न पीरियड के साथ कई सारे इवेंट्स जुड़े हुए हैं जैसे कि डिक्लाइन ऑफ मेडावल फ्यूडलिज्म फ्यूडलिज्म होता है कि कई लोग अपने मालिक के लिए काम करते हैं उनको बदले में लैंड मिलती है प्रोटेक्शन मिलती है द राइज ऑफ टाउन्स एंड सिटीज टाउन्स एंड सिटीज उभरे इंक्रीज इन ट्रेड एंड कॉमर्स ट्रेड व्यापार बढ़ा द राइजिंग कॉन्शियसनेस ऑफ इंडिविजुअल राइट्स इंडिविजुअल राइट्स मीन्स जो लोगों के अधिकार हैं उस पर भी ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा देन दीज इवेंट्स मार्क द ट्रांजिशन ऑफ यूरोप फ्रॉम द मिडल एज टू द मॉडर्न एज तो इन इवेंट्स की वजह से क्या हुआ की जो मिडल एज है वो चेंज होना शुरू हो इसमें मॉडर्न एज में देन रेंस फ्रॉम द फोर्टींथ सेंचुरी टिल अबाउट द सिक्सटींथ यूरोप सॉ ए सीरीज ऑफ न्यू डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ आर्ट लिटरेचर साइंस एंड आर्किटेक्चर इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द चर्च तो फोटीन सेंचरी से सिक्सटीन सेंचुरी तक बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई किन किन फील्ड में आर्ट के फील्ड में लिटरेचर के फील्ड में साइंस के फील्ड में आर्किटेक्चर के फील्ड में और जो चर्च का कंट्रोल था वो भी थोड़ा कम हो गया मतलब इंडिपेंडेंट हो गया एक तरह से तो दिस वॉज अ सिग्निफिकेंट इवेंट सिंस अयर द चर्च कैप स्पीयर ऑफ कल्चर एंड नॉलेज अंडर इट्स कॉन्सेंट स्क्रूटनी और कंट्रोल तो क्या चर्च ने पहले के टाइम पे पूरा कंट्रोल अपना रखा हुआ था किस पे अपने कल्चर पे अपने नॉलेज पे तो इससे थोड़ा अच्छा छुटकारा मिला इस टाइम पे देन दिस पीरियड ऑफ ग्रेट रिवाइवल एंड री जनरेशन इन रोप इज कॉल्ड रिनाइंसेंस इट इज़ अ फ्रेंच वर्ड दैट मीन्स रिबर्थ द मीनिंग ऑफ रिनाइंसेंस इज रिबर्थ द कैप्चर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल द कैपिटल ऑफ द बाइजेंटिन एम्पायर बाय द ओटोम टर्क्स इन फोर्टीन फिफ्टी थ्री

कॉन्स्टिटोबल वॉज द सेंटर ऑफ द लर्निंग ऑफ रोमन एम्पायर जो कॉन्स्टिटोबल था वो एक तरह से सेंटर था एजुकेशन का रोमन एम्पायर के तो इट हैड न्यूमरस ग्रीक स्कॉलर्स एंड इंटलेक्ट्स टीचिंग ग्रेसियो रोमन क्लासिक्स इवोकिंग रेशनल थिंकिंग तो वहाँ पे कई सारे पंडित थे जो अपनी नॉलेज से क्या करते थे लोगों की लोगों के अंदर लॉजिकल थिंकिंग आ, को, को डेवलप करते थे लॉजिकल थिंकिंग डालते थे विद दी फॉल ऑफ कॉन्स्टिटोबल मैनी ग्रीक स्कॉलर्स प्लेट टू डिफरेंट सिटीज ऑफ इटली लाइक फ्लोरेंस मिलान एंड वेनिस कैरिंग विद दैम रेयर रेयर क्लासिकल मेन्यूस्क्रिप्ट तो जब कॉन्स्टिबल डिकलाइन हुआ तो कई सारे ग्रीक स्कॉलर्स थे जो पंडित थे वो इटली की अलग अलग सिटीज़ में चले गए कौन सी कौन सी फ्लोरेंस में मिलान में वेनिस में अपनी मेन्यूस्क्रिप्ट के साथ जो उन्होंने हैंड रिटन बुक्स लिखी हुई थी उनके साथ वहाँ पर चले गए तो मैनी लाइब्रेरीज एंड यूनिवर्सिटीजर सेटअप टू प्रमोट क्लासिकल एंड मॉडर्न लर्निंग इन यूरोप कई सारी लाइब्रेरीज और यूनिवर्सिटीज भी सेटअप हुई किस को प्रमोट करने के लिए क्लासिकल और मॉडर्न लर्निंग को प्रमोट करने के लिए यूरोप में देन इन अदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट हेल्प स्प्रेड द आइडियाज़ ऑफ रेंस थ्रू आउट यूरोप वॉज द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग इन यूरोप एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर कौन सा है जिसने रिलायंस के आइडिया को प्रमोट किया मतलब जब रिलायंस प्रेंड हुआ उसको प्रमोट किया वो है डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग इन यूरोप प्रिंटिंग प्रेस जो डेवलप हुआ था यूरोप में उसके द्वारा भी इन 1440 जोहानस गुटनबर्ग ऑफ जर्मनी डेवलप्ड द मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस 1440 में जोहानस गुटनबर्ग ने मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस डेवलप की बाई फिफ्टीन हंड्रेड देअर वर अबाउट थाउजेंड प्रिंटर्स थ्रू आउट यूरोप ज एंड ओपिनियंक्शन ऑफ पीपलरूडिंग रिलीजियस द बाइबल एज वेल एज लैटिन एंड ग्रीक क्लासिक्स लीगल हैंड फिलोसफी द प्रिटिंग ऑफ बुक्स एनकरेज स्कॉलर रिसर्च इंटलेक्चुअल थिंकिंग एंड दियर वॉज एंड इंक्रीज इन पब्लिक डिजायर टू वर्ड्स गेनिंग नॉलेज तो प्रिंटिंग प्रेस से क्या हुआ कि लोगों की जो इच्छाएं थी नॉलेज पाने की वो बढ़ी उसके साथ उनकी थिंकिंग में भी चेंज आया लॉजिकल उन थिंकिंग उन्होंने सोचनी शुरू कर दी तो एक तरह से जो पुरानी सोच थी वो खत्म होनी शुरू हो गई प्रिंटिंग प्रेस के साथ देन करेक्टिस्टिक्स नाउ वी विल डिस्कस वॉइजिस ऑफ डिस्कवरी The new found mindset of inquiry encouraged a spirit of adventure among the people which prompted them to undertake voyages of discoveries. एक जो new found mindset मतलब कि एक लोगों का mindset बन गया था कि उन्हें नई चीज़ें को ढूंढना है उनके मन में एक adventure था तो इसीलिए इसकी वजह से कई सारी discoveries हुई through exploring the oceans, ocean को explore करके and discovering the unknown lands और जो unknown lands से उनको explore करके वाइल सम इंडिविजुअल एक्सप्लोर वॉन्टेड टू गेन फेम और एक्सपीरियंस एडवेंचर जब जबकि कई इंडिविजुअल ऐसे थे जो सिर्फ फेम गेन करना चाहते थे फेमस होना चाहते थे और कई एडवेंचर करना चाहते थे द मेजर रीजन फॉर एक्सपीडिशन वास टू डिस्कवर न्यू ट्रेड रूट्स मेन रीज़न क्या था इन डिस्कवरीज का कि न्यू ट्रेड रूट्स को फाइंड करना है मैनी वॉइज ऑफ एक्सप्लोरेशन वर स्पॉन्सर्ड बाई दी मनार्थिस ऑफ वेरियस यूरोपियन नेशंस कई सारी जर्नीज़ ऐसी डिस्कवरीज ऐसी थी जिन्हें स्पॉन्सर किया गया था किनके द्वारा यूरोपियन नेशन के किंग्स के द्वारा विद द कैप्चर ऑफ कॉन्स्टिटोबल बाय ओटोमॉन्ड एम्पायर मैनी एग्जिस्टिंग ट्रेड रूट्स टू इंडिया एंड चाइना वर्स शट डाउन जो कॉन्स्टिटोबल कैप्चर हुआ था टर्क्स ने जो किया था उससे क्या हुआ कि जो ट्रेड रूट्स थे इंडिया और चाइना के वो बंद हो गए शट डाउन हो गए तो दीज ट्रेड रूट्स वर essential as दे brought valuable एंड एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स सच एस spices एंड सिल्क from द ईस्ट तो जो ये ट्रेड रूट थे ये बहुत ज्यादा असेंशियल थे क्योंकि ये क्या लेके आते थे इन ट्रेड रूट से क्या आता था स्पाइसिस आते थे सिल्क आते थे द न्यू वॉयज मार्ग एंड अटेम्प टू वर्ड डिस्कवरिंग न्यू ओशन रूट टू इंडिया एंड फॉर ईस्ट तो ये न्यू वॉइज जो ये न्यू डिस्कवरीज करनी थी जर्नीज करनी थी इनका मेन अटेम्प्ट क्या था कि न्यू ओशन रूट्स फाउंड फाइंड आउट करने हैं किसके किसके लिए इंडिया के लिए देन द एक्सप्लोरेशन वर फैसिलिटेटेड बाय द इन्वेंशन ऑफ द मैग्नेटिक कंपास एंड बाय अदर फैक्टर्स सच एज डेवलपिंग डेवलपमेंट इन सेलिंग एंड नेविगेशनल साइंसेज तो जो ये डिस्कवरीज थी एक्सप्लोरेशंस थी ये करना थोड़ा इजी हो गया किसकी किसकी मदद से किसके इन्वेंशन से मैग्नेटिक कंपास के इन्वेंशन से और कई सारे अदर डेवलपमेंट्स जो हुई थी सेलिंग के और नेविगेशन नेविगेशन मतलब जो जिससे हम रास्ता फाइंड आउट करते हैं उन फैसिलिटीज़ में और डेवलपमेंट हो गई थी जिस वजह से ईजी हो गया कई जगहों को एक्सप्लोर करना नाउ वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज़ द बिगिनिंग ऑफ द एज ऑफ डिस्कवरी इज़ एसोशिएटेड विद द पोर्टिग्यूज़ प्रिंस हैंनरी द नेविगेटर हुट आउट सेवरल शिप्स टू एक्सप्लोर एंड मैप द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका इन द फिफ्टीन सेंचुरी तो ये जो एज ऑफ डिस्कवरी है ये बिगनिंग किस नाम से जुड़ी हुई है पोर्टिग्यूज प्रिंस हैंनरी द नेविगेटर से उसने कई सारी शिप्स को भेजा था कि वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका जो अफ्रीका का वेस्ट तट है उसको एक्सप्लोर करने के लिए किस टाइम पे फिफ्टींथ सेंचुरी में देन इन फोर्टीन एटी एट पोर्टिग्यूज एक्सप्लोरर बाटोलोमियो दस सेल्ड अराउंड अफ्रीका रीचिंग द इंडियन ओशन फ्रॉम द अटलांटिक ही वॉज द फर्स्ट यूरोपियन एक्सप्लोरर टू रीच द सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका This place was named as Cape of Good Hope as it gave further hope to the explorers to find out the route to India. उसके बाद 1488 में जो पोर्टिक्स एक्सप्लोरर थे उन्होंने अफ्रीका को सेल्ड आउट करते हुए वो इंडियन ओशन पहुँचे तो वो पहले ऐसे एक्सप्लोरर थे जो अफ्रीका के सदर्न टिप पे मतलब ये नॉर्थ अफ्रीका के सदन टिप पे पहुंचे एकदम साउथ में नीचे तो इस प्लेस को क्या नाम दिया गया इस प्लेस को नाम दिया गया केप ऑफ गुड होप क्योंकि ये एक ऐसी होप देता है कि आगे एक्सप्लोर जो चीजें होंगी आगे जो डिस्कवरीज होंगी उसमें कोई ना कोई रूट मिल जाए इंडिया के लिए देन अ डेकेड लेटर इन फोर्टीन नाइनटी एट वास्कुडा गा एन अदर पोर्टिगूज द इंडियन ओशन फॉलोइंग द सेम रूट एंड रीच्ड डालिकट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया तो एक दस साल बाद वास्को डागामा ने एक जो एक अनदर पोर्टिकल एक्सप्लोर थे तो उन्होंने इंडियन ओशन को क्रॉस किया सेम रूट फॉलो किया और वो कहाँ पर पहुँचे रीच्ड कालीकट पहुँचे जो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पे मौजूद है वेस्टर्न कोस्ट मतलब वेस्टर्न तट पे जो मौजूद है दिस रूट लेटर बिकम एन इम्पॉर्टेंट रेड रूट टू इंडिया एंड फारेस्ट तो उसके बाद ये रूट है था जो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट बन गया इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट बन गया इंडिया के लिए देन क्रिस्टोफर कोलम्बस एंड इटालियन एक्सप्लोर लिविंग इन स्पेन थाट ही कुड रीच द ईस्ट बाय सीलिंग वेस्ट कोस्ट अक्रॉस द ओशन अंडर द पेट्रोनेज ऑफ द किंग एंड द क्वीन ऑफ स्पेन ही सेट सेल वेस्टवर्ड्स फ्रॉम यूरोप ही डिस्कवर्ड द भामाज इन द कैरिबियन इन फोर्टीन नाइनटी टू दिस पेव द वे फॉर फ्यूचर जनरीज अक्रॉस द अटलांटिक कोलम्बस बिलीव दैट ही है ईस्ट हाउ एवर ही हैड इन फैक्ट द न्यू वर्ल्ड ऑफ द अमेरिकास इसका मतलब कि क्रिस्टोफर कोलम्बस स्पेन का रहने वाला था तो उसने सोचा कि वो ईस्ट को फाइंड आउट कर सकता है एटलांटिक अटलांटिक्सिन को क्रॉस करके वेस्ट की तरफ से पर Uh, at the time, he discovered the Bahamas in the Caribbean 1492. उसने Bahamas को discover किया जो Caribbean में है 1492 में. This paved the way for future journeys across the Atlantic. तो इसने आसान कर दिया जो आने वाली journeys थी across the Atlantic मतलब Atlantic को cross करके जो journeys जाने वाली थी वो easy हो हो गई थी अब. Then, he, Columbus believed that he had discovered the route of the East. उसका यह मानना था कि उसने ईस्ट का रूट डिस्कवर कर लिया है हाउ एवर ही हैड इन फैक्ट डिस्कवर द न्यू वर्ल्ड ऑफ द अमेरिका जबकि उसने यूएस से फाइंड आउट कर लिया था न्यू वर्ल्ड ऑफ द अमेरिका फाइंड आउट कर लिया था इसी तरह से The Portugues also quite incidentally accidentally happened to discover Brazil and went on to conquer the region under the leadership of Pedro Cabral in 1500. तो Portugues ने एक land Brazil ऐसे ही accidentally find out कर लिया था कैसे? वो एक एक जगह को कांकर करने के लिए जा रहे थे under the leadership of Pedro Cabral. Pedro Cabral के अंदर 1500 में. Cabral and his men had originally been sent by the Portuguese monarch to find a route. तो कैब्रल को और उसके साथ जो साथी थे उनको भेजा गया था किसके द्वारा एक पोर्टिग्यूज किंग के द्वारा रूट फाइंड आउट करने के लिए इंडिया के लिए बट इंस्टेंट दे लैंडेड ऑन द कोस्ट ऑफ़ ब्राज़ील बट इसकी जगह वो कहाँ पे लैंड हो गए ब्राज़ील के तट पे लैंड हो गए विथ द डिस्कवरिंग ऑफ न्यू ट्रेड रूट्स एंड न्यू लैंड देयर वाज ग्रोथ इन द वेल्थ ऑफ ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ इन मैनी यूरोपियन कंट्रीज़ तो ये न्यू ट्रेड रूट्स का सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ को क्योंकि उनकी वेल्थ में इंक्रीज हुआ वो उनको ज़्यादा फ़ायदा होना शुरू हो गया जब उनका ट्रेड शुरू हो गया व्यापार शुरू हो गया तो इस तरह से कई सारे लैंड फाइंड आउट किए गए उस टाइम पे यूरोपियंस के द्वारा जो अननोन थे पर उस टाइम पे बहुत सारे लैंड फाइंड आउट हुए नाउ वी विल डिस्कस रिफॉर्मेशन इन द मेडावल पीरियड द रिलीजियस लाइफ ऑफ द पीपल इन यूरोप वाज डोमिनेटेड बाय द रोमन कैथोलिक चर्च मेडावल पीरियड में जो लोगों की रिलीजियस लाइफ थी वो रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा डोमिनेट की गई थी मतलब चर्च उस टाइम पे सुपेरिटी, सुपेरिटी होती थी चर्च को सबसे बड़ा माना जाता था तो जो चर्च के हेड थे पोप उनको एक एब्सोल्यूट मेजोरिटी अथॉरिटी माना जाता था उसके उनके अंडर सब कुछ आता था जैसे कोई स्टेट है उसकी कोई अथॉरिटी होती है एक किंग तो उसी तरह चर्च के अथॉरिटी एब्सोल्यूट अथॉरिटी किसको माना जाता पोप को माना जाता था नो वन कुड क्वेश्चन और अपोज द टीचिंग ऑफ द चर्च कोई भी जो टीचिंग्स थी चर्च की उसके अगेंस्ट कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था उसको अपोज नहीं कर सकता था दोज हुड वर एक्यूज ऑफ प्लेसमी एंड लेबल्ड एज हेरेटिक्स जो भी एक्यूज करता था उसको ये मान लिया जाता था कि वो गॉड की निंदा कर रहा है मतलब गॉड के अगेंस्ट बोल रहा है दे फेस्ड टेरिबल पनिशमेंट्स उनको पनिशमेंट्स मिलती थी द रोमन कैथोलिक चर्च हैड द अल्टीमेट मोनोपोली ओवर द एजुकेशन इन मोस्ट ऑफ द यूरोप तो जो रोमन कैथोलिक चर्च थी इसका एक तरह से बहुत ज्यादा अधिकार था किसके ऊपर एजुकेशन के ऊपर भी अधिकार था जो उस टाइम पे यूरोप में चल रही थी तो इस अधिकार को खत्म करने के लिए जो मूवमेंट शुरू हुई उसको बोला जाता है रिफॉर्मेशन मूवमेंट और प्रोटेस्टेंट मूवमेंट इसके अगेंस्ट की मूवमेंट कि जो चर्च की सुप्योरिटी है उसको खत्म करना चाहिए द रिफॉर्मेशन और प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन रेफर्स मूवमेंट दिन यूरोप विद द एम ऑफ रिफॉर्मिंग द रोम कैथोलिक चर्च इट स्टार्टेड इन जर्मनी सबसे पहले जर्मनी में स्टार्ट हुई एंड रेपिडली स्प्रेड अक्रॉस यूरोप और यूरोप तक फैल गई इट वॉज अ रिएक्शन अगेंस्ट द इंक्रीजिंग एब्यूज करप्शन इन द कैथोलिक चर्च जो उस टाइम पे चर्चिज में करप्शन चल रही थी उसके अगेंस्ट उसको ख़त्म करने के लिए ये रिफॉर्मेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया गया द रिफॉर्मेशन फोकस्ड on the teachings of the Bible as the sole source that could reveal the truth, the movement aimed at questioning everything that was based on flying faith and bringing rationality to the lives of people in Europe. तो जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट है उसने इस चीज़ पे फोकस किया कि जो बाइबल है उसमें ही सारे आंसर्स हमें मिल जाएंगे हमें किसी पर ऊपर ब्लाइंड फेथ करने की कोई ज़रूरत नहीं है और इससे क्या हुआ लोगों की लाइफ्स में लॉजिकल थिंकिंग लोगों ने लॉजिकल तरीके से सोचना शुरू किया तो इस चीज़ ये चीज़ शुरू कैसे हुई कॉजिज ऑफ द रिफॉर्मेशन रिनाइंसेंस द एमरजेंस ऑफ रिनाइंसेंस इन कलकुलेट वैल्यूज ऑफ सेकुलरिज्म एंड ह्यूमेनिज्म तो रिनाइंसेंस आने के बाद लोगों में सेकुलरिजम और ह्यूमेनिज्म की भावना आई सेक्ुलरिज्म मीन्स द बिलीव दैट रिलीजन शुड नॉट इन्फ्लुएंस और बी इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी एजुकेशन और गवर्नमेंट की मतलब जो रिलीजन है वो Uh, जो सोसाइटी है एजुकेशन और गवर्नमेंट इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा ह्यूमेनिज्म मतलब मानवतावाद मतलब इंसानियत की भावना तो इससे क्या हुआ कि जो चर्च अथॉरिटी है उसको एक तरह से चैलेंज मिला किसकी तरफ से सोसाइटी की तरफ से एम्फोसिस वाज लेड ऑन हैविंग अ पर्सनल रिलेशन विद गॉड एंड रिलीजन रैदर देन रिचुअलिस्टिक वन तो एक तरह से इस चीज़ पर प्रेशर बना कि हमें अपने आप एक पर्सनल रिलेशन बनाना चाहिए गॉड के साथ ना कि किसी के द्वारा हमें उनको पूजना चाहिए तो द स्पिरिट ऑफ रैशनलिज्म एंड इंक्वायरी टू जज द डॉक्टर तो इस लॉजिकल थिंकिंग के साथ लोगों ने उनको जज करना शुरू किया और चर्च के अगेंस्ट खड़े हो गए द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस हेल्प स्प्रेड द रेवोल्यूशनरी आइडियाज ऑफ फाइनेंसिस फार एंड वाइट तो एक तरह से जो प्रिंटिंग प्रेस थी उसके जरिए भी कई सारी बुक्स ऐसी पब्लिश uh, की गई जिसके साथ रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ फैले और लोगों के मन में चर्चेस के अगेंस्ट खड़े होने का मतलब एक तरह से उन्होंने चर्चेस के अगेंस्ट खड़े होने का सोचा द बाइबल वाज ट्रांसलेटेड टू रीजनल लैंग्वेजेस एंड कॉमन पीपल को रीड एंड इंटरप्रेटेड तो जो बाइबल थी उसको ट्रांसलेट किया गया बहुत सारी रीजनल उनकी लैंग्वेज में ताकि जो आम लोग हैं उसको रीड कर सकें और उसको समझ सकें सेकेंड पॉइंट क्रिटिसिजम ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च तो द कैथोलिक चर्च वॉज क्रिटिसाइज फॉर बींग करप्ट एंड इमोरल उस टाइम पे चर्च बहुत ही ज़्यादा करप्ट हो चुकी थी द कलर्जी मैन फेल टू मीट चर्च स्परिचुअल नीड्स एंड वेदर इंडर्ज इन वर्ल्ड प्लेजर तो जो क्लर्जी मैन थे उस टाइम पे पंडित थे वो सिर्फ ए वर्ल्ड के प्लेजर उनको किसी से कोई मतलब नहीं था अपने आप को अमीर करने में लगे हुए थे वर्ल्ड के प्लेजर हासिल करने में लगे हुए थे तो मैनी चर्च ऑफिशियल करियर एंड वेल्थ तो कई सारे चर्च ऑफिशियल ने तो अपने रैंक्स का यूज किया अपने अपने आप को अमीर बनाने में अपने करियर को आगे बढ़ाने में Then, of... कई सारे चर्च ऑफिस बिक चुके थे मतलब चोरी चकारी उस टाइम पे आम थी दर्च स्टार्ट प्रैक्टिस इन सेलिंग इंटेलिजेंस और सर्टिफिकेट ऑफ पार्डन बाय गॉड सेलिंग इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस क्या होता है कि एक तरह का सर्टिफिकेट गॉड के द्वारा कि उन गॉड ने किसी आदमी को उसके सारे कर्मों के लिए माफ़ कर दिया तो उन्होंने ये भी एक तरीके से बेचना शुरू कर दिया था टू पीपल एज मीन्स ऑफ सेलिब्रेशन और गॉड डोर टू दैवन कि लोगों को लगे कि एक तरह से मुक्ति पाने का रास्ता है और स्वर्ग तक का रास्ता है द कैथोलिक चर्च ऑल्सो लेवर विच वर कंपल्सरी फॉर ऑल क्रिस्टियन इन यूरोप उन्होंने एक टाइटल भी एक भी एक टैक्स सबके ऊपर लागू कर दिया था जो सबके लिए कंपल्सरी था भरना सब जिसका नाम क्या था टैथे देन लास्ट पॉइंट राइज ऑफ स्ट्रॉन्ग रूलर्स राइज ऑफ स्ट्रॉन्ग रूलर्स डिक्लाइन ऑफ मिडेवल फ्यूडलिज्म अक्रॉस यूरोप हु चैलेंज द चर्च सुपरमेसी हमने फ्यूडलिज्म पढ़ा था तो उसके डिक्लाइन के बाद बहुत सारे बड़े बड़े स्ट्रोंग किंग्स हर एक जगह पे यूरोप की हर एक जगह पे मतलब हुए जिन्होंने चर्च की सुपरमेसी को चैलेंज किया मत कि चर्च की सुपरमेसी नहीं होनी चाहिए मैनी रूलर्स व्यूड द पोप एज ए थ्रेट एंड चैलेंजेस अथॉरिटी कई रूलर्स जो पोप थे एब्सोल्यूट मेजोरिटी थे चर्च की उनको एक तरह से डेंजर देखते थे और उनकी अथॉरिटी को चैलेंज किया दे वॉन्टेड टू ब्रेक अवे फ्रॉम द होली एम्पायर एंड इट्स कंट्रोल दे रिज एंड टैक्स बाय द चर्च दे वेंट टू दैट वेंट टू रोम तो उस टाइम पे उन्होंने जो लोगों के ऊपर टैक्स लगाए गए थे उनको भी बंद किया जो टैक्स लगाए गए थे जैसे हमने पढ़ा ऊपर टैक्स लगाया गया था उसको भी बंद किया ताकि लोग इनकी सुपरमेसी को ना माने मतलब इनकी सुपरमेसी एक तरह से खत्म हो जाए नाउ वी विल डिस्कस रोल ऑफ मार्टिन लुथर मार्टिन लुथर अ जर्मन मॉक वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग अबाउट द रिफॉर्मेशन मूवमेंट लुथर बेस्ड ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग सेवरल प्रैक्टिस ऑफ द कैथोलिक चर्च एंड द सुपरमेसी पोप ही वॉज पर्टिकुलरली शॉक्ट बाय द सेल ऑफ इंटेलिजेंस तो वो एक जर्मन मॉक थे उन्होंने रिफॉर्मेशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने में बहुत हेल्प की और उन्होंने ऑब्जेक्शंस रेस की किसके खिलाफ जो प्रैक्टिसेस की जाती थी उस टाइम पे चर्च के खिलाफ और एक जो सुपर मेसी थी मतलब जो पोप के हाथ में सुपर मेसी की चर्च की उसके खिलाफ भी उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज की ही वॉज पर्टिकुलरली शॉक्ड बाय द सेल ऑफ़ इंटेलिजेंस जो हमने पहले पढ़ा सेल ऑफ़ इंटेलिजेंस की लोगों को बेवकूफ बनाया जाता था और उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता था कि गॉड ने उन्हें उनके कर्मों के लिए माफ कर दिया है तो एक तरह से वो इस चीज से भी बहुत ज्यादा शॉक हुए वी कैन सी द फोटो ऑफ मार्टिन लोथर देन इन एटीन फिफ्टी सेवन एटीन फिफ्टीन सेवनटीन ही लोथर रोड हिज नाइन थे पिंड इट ऑन द डोर ऑफ द लोकल चर्च तो 1517 में उन्होंने 95 फाइव लिखी और उसको हर एक लोकल चर्च के डोर पे जोड़ दिया पिन कर दिया ही इंडिकेटेड द चर्च फॉर इट्स करप्शन अटैक द रिचुअल एंड इंटेलिजेंस डेट हैड नो सेंसिटी इन द बाइबल उन्होंने अटैक किया चर्च की करप्शन के खिलाफ और जिस उस उसके, उसके जो रीति रिवाज थे फालतू के रीति रिवाज जो चल रहे थे इंटेलिजेंस के खिलाफ सेल ऑफ़ इंटेलिजेंस के ख़िलाफ़ जिनका कोई भी जिक्र नहीं है बाइबल में और उन्होंने फॉलोअर्स फॉलोअर्स अपने followers को ये बोला कि गॉड पर भरोसा रखो और हमेशा गॉड को ही सुपरमेसी मानो दैट सेल्वेशन कुड बी अचीव बाय फेथ ओनली उन्होंने बोला कि मुक्ति अकेले विश्वास गॉड पर विश्वास से भी पाई जा सकती है दस फॉर लूथर द बाइबल वॉज द ओनली सोर्स ऑफ ट्रोथ एंड द चर्च तो लुथर के लिए सिर्फ जो बाइबल थी वही एक अथॉरिटी थी ना कि जो पोप्स थे जो एक मतलब धोखे से चर्च के ऊपर अपने आप को सुपरमेसी बता रहे थे सून थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज ऑफ द नाइनटी फाइव ऑफ जर्मनी बहुत सारी कॉपीज प्रिंट आउट हुई और हर एक पार्ट में जर्मनी के पहुंच गई बिकम द रिफॉर्मेशन ए मूवमेंट फॉर रिलीजियस रिफॉर्म बाई फिफ्टीन टू मार्क अ डेफिनेट ब्रेक फॉर द कैथोलिक चर्च ही कॉन्ट अपॉन क्रिस्चन चर्च टू रिजेक्ट द पोप्स अथॉरिटी एंड प्रैक्टिस द कैथोलिक चर्च इंक्लूडिंग द सिस्टम ऑफ सेक्रमेंट सेक्रमेंट्स मतलब संस्कार तो उन्होंने अपने एक्शंस के जरिए उनके उनके खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी कि चर्चि चर्चिस की सुपरमेसी नहीं होनी चाहिए और इन पोप्स को हटा देना चाहिए इनकी अथॉरिटी को रिजेक्ट कर देना चाहिए उन्होंने उनके रिचुअल्स के खिलाफ और उनकी प्रैक्टिसेस के खिलाफ जो रीति रिवाज चल रहे थे और जो प्रैक्टिसेस चल रही थी उनकी उनके खिलाफ भी बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई द चर्च वॉज आउट बाय लूथर्स एक्शन एंड डिमांड दैट ही आइदर विद्रॉ हिज व्यूज और रिस्क एक्सकम्युनिकेशन तो उस लूथर्स के एक्शन के साथ जो चर्च थी उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया उन्होंने बोला कि या तो आप अपने ओपिनियन को वापस ले लो या तो फिर आपको बहुत ज़्यादा रिस्क उठाना पड़ेगा लूथर स्टूड फियरलेस एंड रिफ्यूज़ टू विद्रॉ हिज रिमार्क्स वो निडरो के खड़े रहे और उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं अपने ओपिनियन को वापस नहीं लूँगा लूथर वॉज चार्ज विद हेरेसी एंड एक्सकम्युनिकेटेड बाई द पोप इन फिफ्टीन ट्वेंटी हेरेसी एंड कम्युनिकेटेड मीन्स एक्स कम्युनिक मीन्स ओपिनियन डिफर फ्रॉम अदर्स दैट आर ट्रू मतलब कि उन्होंने ये बता दिया कि जो हम बता रहे हैं वही सही है और जो ये बता रहा है वो बिल्कुल गलत है तो इस तरह से उनको चार्ज किया गया और लेटर ऑन द डायरेक्शन ऑफ द द पोप जर्मन एम्प्रेट लुथर फॉर ट्रायल तो पोप के कहने पर जर्मन एम्प्रायर लुथर को अपने पास बुलाया और फिर भी अपने ओपिनियन पर खड़ा रहा और इस तरह से डिक्लेयर किया गया कि जो लूथर है वो गॉड के अगेंस्ट है और उनकी जो एक्टिविटीज हैं वो बिल्कुल अपोजिट हैं गॉड वो गॉड को बिल्कुल नहीं मानते तो उनकी सारी बुक्स को जला दिया गया रोमन कैथोलिक चर्च तो इसे क्या हुआ कि कई सारी रूलिंग ग्रुप्स जो किंग्स थे कई सारे वो उन्होंने लूथर को सपोर्ट किया और उसकी सपोर्ट में खड़े हो गए उन्होंने इसको एक अपरचुनिटी की तरह देखा कि वो रोमन कैथोलिक चर्च का जो रूल चला रहा है उसको खत्म कर सकते हैं बाज रिटर्न टू विटनबर्ग इन प्रैक्टिस तो जो लुथर के आइडियाज थे वो कई जगह पे प्रैक्टिस होने शुरू हो गए ए सेपरेट नेशनल जर्मन चर्च द लुथरन चर्च विश्ड फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द रोमन चर्च तो एक अलग चर्च बनाई गई जिसके ऊपर रोमन कैथोलिक चर्च का कोई भी रूल नहीं चलेगा

अब ये चर्च शुरू होने के बाद जो चर्च प्रोटेस्टेंट्स ने शुरू की थी उसके बाद बहुत सारी क्लैसेज शुरू हो गई कैथोलिक्स के बीच और प्रोटेस्टेंट्स के बीच तो जो किंग्स उनकी डोमिनेंस कैथोलिक चर्च के डोमिनेंस से एस्केप के बचना चाहते थे उन्होंने प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और वो उनके एरिया में उनके सपोर्ट में चले गए देन इन लास्ट वी विल डिस्कस इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्मेशन

then there were religious turmoil in many states which often led to war within the state as well as between them तो क्या हो गया कि अब एक चर्च में अगर एक स्टेट में अगर दो लोग रहते हैं जो अलग अलग धर्मों को मानते हैं तो उनमें वॉर होती थी बहुत ज़्यादा तो इससे क्या हुआ

तो अब जो च, जो स्टेट्स कैथोलिक चर्च के अंडर से फ्री हो गई थी तो उन्होंने अलग नेशन स्टेट्स बनाने शुरू कर दिए दीज रूलर्स टू कम्प्लीटली चार्ज ऑफ एम्पायर्स उन्होंने इनके जो रूलर्स थे उन्होंने पूरा चार्ज ले लिया जैसे पहले च, चर्च का चलता था पर अब उनके कंट्रोल में आ गया एंड द पीपल ओड एलिजेंस ओनली टू दर रूलर अब जो लोग थे वो सिर्फ अपने रूलर की बात मानेंगे दे लेट द फाउंडेशन ऑफ नेशन स्टेट्स बेस्ड ऑन कॉमन कल्चर एंड लैंग्वेज और हिस्ट्री बाय द रूलर तो एक तरह से हैप्पी स्टेट बन गया उस एक रूलर के अंडर उस उन लोगों की एक कॉमन कल्चर था उनकी कॉमन लैंग्वेज थी जो किसके द्वारा रूल किया जाता था गवर्नर एक रूलर के द्वारा गवर्न किया जाता था सब कुछ नाउ वी विल डिस्कस सम क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस लेसन फर्स्ट क्वेश्चन इज वट वर मेन फैक्टर्स लेड टू रिनाइंसेंस इन यूरोप किन मेन फैक्टर्स की वजह से बर्थ एज शुरू हुआ यूरोप में फॉल ऑफ कॉन्स्टिबल विद फॉल ऑफ कॉन्स्टिटनोबल मैनी न्यू ग्रीक स्कॉलर्स डिफरेंट सिटीज ऑफ इटली लाइक फ्लोरेंस मिलान एंड वेनिस अलॉन्ग विद मेनोस्क्रिप्ट तो जब कैप्चर किया कॉन्स्टिबल को टर्कस ने तो बहुत सारे ग्रीक पंडित कहाँ पर चले गए इटली के कई सारे स्टेट्स में फ्लोरेंस मिलान वेनिस अपनी मेन्यूस्क्रिप्ट के साथ अपने जो हैंड रिटन बुक्स हैं उनके साथ देन राइज ऑफ फ्री टाउन स्प्रेड ऑफ एजुकेशन मेनी लाइब्रेरीज एंड यूनिवर्सिटीज वर टू प्रमोट क्लासिकल एंड मॉडर्न लर्निंग इन यूरोप बहुत सारी लाइब्रेरीज और यूनिवर्सिटीज बनी किसको प्रमोट करने के लिए के लिए क्लासिकल और मॉडर्न लर्निंग को देन इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस was इंस्टॉल्ड इन जर्मनी इन 1465 by Gutenberg. This helped दिस हेल्प इन प्रिंटिंग बुक्स इन लार्ज नंबर एंड चीपर कॉस्ट तो प्रिंटिंग प्रेस जब इन्वेंट हुआ तो उसके बाद अब बुक्स आसानी से प्रिंट हो सकती थी और चीपर कॉस्ट में और एजुकेशन आराम से फैल सकती थी लोग आसानी से जिनकी डिज़ायर थे एजुकेशन लेने की तो वो आराम से एजुकेशन प्राप्त कर सकते थे दैन साइंटिफिक डिवलपमेंट साइंटिफिक डिवलपमेंट रिजल्टड फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड

फर्स्ट इन एटीन फिफ्टी इन फिफ्टीन सेंचुरी हैनरी द नेविगेटर सेंड आउट आउटल शिप्स टू एक्सप्लोर एंड मैप द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका सबसे पहले फिफ्टीन सेंचुरी में हैनरी द नेविगेटर ने बहुत सारी शिप्स भेजी वेस्ट कोस्ट ऑफ़ अफ्रीका जो वेस्ट तट है अफ्रीका का उसको एक्सप्लोर करने के लिए देन इन फोर्टीन एटी एट पॉर्टीग्यूज़ एक्सप्लोर बॉटोल्यूमियो दिया सेल्ड अराउंड अफ्रीका रीचिंग द इंडियन ओशन फ्राम द अलांटिक ही वॉज द फर्स्ट यूरोपियन एक्सप्लोर टू रीच द सदर टिप ऑफ अफ्रीका उसके बाद फोर्टीन में पोर्टिग्यूज एक्सप्लोर थे जो उन्होंने अफ्रीका को सेल किया और इंडियन ओशन पहुँचे तो वो पहले ऐसे एक्सप्लोर थे जो अफ्रीका के टिप टिप्पे पहुंचे थे देन इन फोर्टीन नाइनटी एट वास्कुडे गा पर क्रॉस द इंडियन ओशन फॉलोइंग द सेम रूट एंड रीच कालीकट ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया तो उसके दस साल बाद वास्को डे गामा भी इंडियन ओशन को क्रॉस करके सेम रूट को फॉलो करके कालीकट पहुंचे जो कहाँ पे मौजूद है इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे वेस्ट तट पे मौजूद है देन लास्ट वन इज़ क्रिस्टोफर कोलम्बस डिस्कवर्ड न्यू वर्ल्ड ऑफ अमेरिका क्रिस्टोफर कोलम्बस ने क्या डिस्कवर किया यूएसए देन थर्ड क्वेश्चन इज वट वर द मेन कॉजेज फॉर द रिफॉर्मेशन मूवमेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट के मेन कॉजेज़ क्या थे फर्स्ट रिनाइंसेंस द एमरजेंस ऑफ रिनाइसेंस इन कलकुलेट वैल्यूज ऑफ सेक्लरिज्म एंड ह्यूमेज चैलेंज द चर्च अथॉरिटी तो रिनाइसेंस के साथ लोगों में सेकुलरिज्म की भावना और ह्यूमेनिज्म की भावना जो हमने पढ़ी थी बुक में तो वो उनके एमर्ज हुई तो जिसने किसको चैलेंज किया चर्च की अथॉरिटी को चैलेंज किया सेकेंड वन इज क्रिटिसिज्म ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च द कैथोलिक चर्च वॉज क्रिटिसाइज फॉर बींग करप्ट उस टाइम पे जो चर्च थी वो बिल्कुल करप्ट हो चुकी थी मैनी चर्च ऑफि ऑफिशियल पोजिशन इन रॉन्ग वे जो चर्च ऑफिशियल थे वो अपनी पोजिशंस को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे अपने आप को ऊपर उठाने में अपनी वेल्थ अपने आप को अमीर बनाने में यूज कर रहे थे अपने पावर को देन राइज ऑफ स्ट्रॉन्ग रूलर्स मैनी रूलर्स व्यूड द पोप इ थ्रेट एंड चैलेंज अथॉरिटी तो उसके बाद कई सारे रूलर्स Uh, मतलब डिक्लाइन ऑफ मिडावल फ्यूजलिज्म मतलब फ्यूजलिज्म को ख़त्म होने के बाद बहुत सारे स्ट्रॉग रूलर्स आए जिन्होंने एक तरह से जो पोप थे उनको डेंजर देखा और उनकी अथॉरिटी को चैलेंज किया डिस्क्राइब द रोल ऑफ मार्टिन लूथर इन द रिफॉर्मेशन मूवमेंट अब मार्टिन लूथर का क्या रोल था मार्टिन लूथर अ जर्मन मॉक वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग अबाउट द रिफॉर्मेशन मूवमेंट मार्टिन लूथर का बहुत बड़ा रोल था रिफॉर्मेशन मूवमेंट में लूथर रेस्ड ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग सेवरल ऑफ द कैथलिक चर्च एंड सुपर ऑफ द पोप तो उन्होंने uh, जो बहुत सारी प्रैक्टिसेस थी जो बिना मतलब से चल रही थी उसके खिलाफ आवाज़ उठाई और जो पोप की सुपर थी उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई इन फिफ्टीन सेवनटीन लूथर रूट इज नाइंटी फाइव चर्च फिफ्टीन सेवनटीन में उन्होंने नाइन्टी फाइव थे लिखी और हर एक लोकल चर्च की डोर पे पिन कर दी मतलब जोड़ दी बाई फिफ्टीन ट्वेंटी लोथर बिगिन टू मार्क डेफिनेट ब्रेक फ्रॉम द कैथोलिक चर्च एंड अटैक्ट अदर रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसज तो उन्होंने कैथोलिक चर्च की जो रीति रिवाज फालतू के चल रहे थे प्रैक्टिस चल रही थी उनके ऊपर भी बहुत अटैक किया मैनी रूलिंग ग्रुप्स ऑल्सो सपोर्ट लुथर बहुत सारे रूलिंग ग्रुप्स थे जो चाहते थे कि हाँ चर्च की सुपरमेसी ख़त्म हो जाए तो उन्होंने भी लुथर को मार्टिन लुथर को सपोर्ट किया लास्ट क्वेश्चन वट वर दिन इम्पैक्ट ऑफ द रिफॉर्मेशन मूवमेंट ऑन यूरोप मेन इम्पैक्ट क्या थे सबसे पहला की जो चर्च थी वो दो भाग में डिवाइड होगी कैथोलिसम जो लोग को मानते थे, Protest, uh, थे जो वो अलग ग्रुप में आ गए द रिफॉर्मेशन ऑल्सो इवेंचुअलीट टू द एवोल्यूशन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ नेशन स्टेट्स एज से फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ कैथोलिक चर्च तो अब जो जो स्टेट्स रोमन कैथोलिक चर्च के नीचे से फ्री हो गई थी उन्होंने अपने अलग नेशन स्टेट्स बनाने शुरू कर दिए और वहाँ पे अलग रूलर्स का अपने रूलर्स का कंट्रोल होने लग गया था थैंक यू स्टूडेंट्स